सो यू नो राघव, यस वही बच्चा जिसके साथ मैं काफी वीडियोस बना चुका हूँ एंड जो कि मेरा भाई भी है, यानी छोटा भाई, यानी बहुत परेशान करने वाला भाई। तो बात कुछ ऐसी है कि राघव के साथ मैंने आज से 3 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने राघव को ट्रोल किया था इन माइनक्राफ्ट एंड ओ माई गॉड, चप्पल क्यों उठा ली भाई मैंने इस बात में ओ माई गॉड, उस वीडियो पे तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया था। अभी उस वीडियो को आए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है, इसका मतलब राघव अभी थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो गया है। इतना इंटेलिजेंट हो गया है कि अभी वो ये छोटी मोटी चीजों से पागल नहीं बनता है। अभी वो छोटे मोटे ट्रोल उसको लगता है फिर है, ये तो बच्चों वाली चीज है भाई। उसका सीन अभी ऐसा हो गया कि रचित भाई ने मुझे एक बार ट्रोल कर लिया माइनक्राफ्ट में, अब रचित भाई मेरे को बार बार माइनक्राफ्ट में ट्रोल नहीं कर सकते है। लेकिन कि जब किसी को ऐसा लगता है कि अब उसका दिमाग और ज्यादा खराब नहीं हो सकता है, तब आते हैं हमारे रचित भाई। That's right. तो अगर तुम लोगों को नहीं पता है, मैं एक्चुअली एक सीरीज चलाता हूँ इस चैनल पे जहाँ पर मैं आपके कुछ फेवरेट लोगों को माइनक्राफ्ट में ले जाकर उनके दिमाग का दही करता हूँ। एंड बाई दही इस वीडियो में मैं दही से भी गंदा, मतलब दही से भी गंदा और क्या कर सकता, निकल गया भाई जोक, मेरे को सच्ची में जोक नहीं आते हैं। लेकिन मजाक करके गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। मेरा नाम रचित है, आप लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज के दिन हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट विद माय बॉय राघव। लेकिन आज की इस वीडियो का मेन चीज ये है कि मैंने राघव को बुलाया है और मैं उसको अपने एक माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में ले जाने वाला हूं। एंड ये मेरा माइनक्राफ्ट वर्ल्ड नॉर्मल माइनक्राफ्ट वर्ल्ड नहीं है, एंड बाय नॉर्मल आई मीन ये माइनक्राफ्ट वर्ल्ड बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है मेरे जैसा। एग्जाम्पल मैं लेट मी शो यू समथिंग, तुम्हें ये दिख रहा है, तुम्हें ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लग रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा ये छोटा सा घर है, मैंने घर के अंदर एक छोटा सा घर बना रखा है। लेकिन अगर मैं इधर साइड आऊं तो तुम लोग देख सकते हो मैं इसी छोटे घर के अंदर आ गया हूं। अगर तुम्हें लग रहा है ये तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल चीज है, ये तो ऐसी चीज तो मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं थी, तो अगर तुम लोग इधर साइड आओगे ठीक है एंड इसके नीचे जाओगे ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पर एक और घर मिलेगा। अगर तुम इस घर के अंदर सोच रहे हो भाई ये भी एक नॉर्मल सा घर है ठीक है, लेकिन इस घर के अंदर भी तुम जा सकते हो। और अगर तुम इस घर के अंदर इधर साइड नीचे जाओगे, अगर तुम इसके नीचे जाओगे तुम्हें लग रहा होगा भाई ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, घर के नीचे अंडरग्राउंड है, लेकिन ये अंडरग्राउंड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। अगर तुम इसके बाहर आओगे तो तुम्हें दिखेगा पानी ऊपर हो रखा है, नीचे जमीन हो रखी है, बिल्कुल उल्टा सीधी चीजें यहाँ पे हो रखी है। और अगर आप थोड़े से आगे जाओगे ठीक है, तो आप और इसके ऊपर चढ़ोगे यानी आप ऊपर की साइड जाओगे, तो वहां पर जो दुनिया है दोबारा से उल्टी हो जाएगी। मतलब मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूं, आई थिंक तुम्हारा दिमाग भी ये चीज देखने के बाद बोल ये देखो अभी हम लोग वहां से आए थे, अभी हम लोग यहाँ पे उल्टे आ चुके हैं। मतलब मेरा खुद दिमाग खराब हो रहा है भाई ये चीज तुमको एक्सप्लेन करते करते। लेकिन ओवरऑल तुम ये समझ लो कि ये वीडियो देखने के बाद तुम लोग का दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब होने वाला है, एंड फिर एक्सपेक्ट करो कि राघव का दिमाग इस वीडियो में कितना ज्यादा खराब होगा। और जो मैंने तुम्हें अभी ये दिखाया ये तो बस इसका 10% ट्रेलर है। तो यार गाइस, अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा करीब है, तो प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करो। मैं बस चाहता हूँ कि मैं बार बार ना बोलूं, एंड अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नाउ एंजॉय द वीडियो। दो सेकंड। I know, तुम पूरे दिन में कुछ भी पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हो, गेम खेलते हो एंड तुम गेम में बहुत ज्यादा अच्छे हो। That's right, everybody. आज के लिए आया है तुम मैं क्या बोलने वाला था, आज के मेरे पास तुम लोगों के लिए काफी बढ़िया सी गुड न्यूज है। तो अगर तुम लोग खेलते हो मेरी तरह कॉल ऑफ ड्यूटी इन मोबाइल यानी कॉड मोबाइल, तो तुम लोग के लिए है एक बहुत ही बढ़िया सा मौका, तुम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो कॉल ऑफ ड्यूटी एक्सिस टूर्नामेंट में। तो ये जियो एंड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ने मिलकर एक नया टूर्नामेंट लाए हैं, इसके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं जो की 30 अप्रैल को खत्म होने वाले हैं। इसका जो प्राइस पूल है वो है 25 लाख रुपीज, मतलब 25 लाख, मतलब 25 लाख में जीरो जानते हो आप लोग कितने होते हैं। ये जो टूर्नामेंट है आप इसको जियो टीवी, फेसबुक एंड बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी देख सकते हो, जो कि स्टार्ट हो रही है मई 14 एंड 15 से सोलो टूर्नामेंट्स के लिए एंड जून 1 से 5v5 टीम के लिए। स्पेशल चीज ये है, तुम लोग सोचोगे रचित भाई ओके 25 लाख रुपए तो है, लेकिन ये बताओ रजिस्ट्रेशन में कितने रुपए लगेंगे। तो तुम लोग के लिए उसके लिए भी गुड न्यूज है, इसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ही फ्री है, और अगर आप जियो यूजर नहीं है तो भी आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यस, अगर तुम लोगों ने अभी तक इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है तो तुम लोग को रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जल्दी से पार्टिसिपेट करो एंड एंजॉय द वीडियो। राघव आर यू रेडी फॉर टू डू दिस वीडियो? यह ओके, तो एक्चुअली आज का वीडियो बहुत ज्यादा नॉर्मल है। एक्चुअली मैंने माइनक्राफ्ट के अंदर कुछ नॉर्मल से घर बनाए हैं ठीक है, यस बहुत नॉर्मल है ठीक है। एंड तो मैंने बहुत देखे होंगे,
मतलब नॉर्मल घर देखे हैं, तुम्हें बस बताना है वो कैसी चीजें हैं, ठीक है? एंड बस तुम्हें छोटी सी नॉर्मल चीजें करनी है। देखो सबसे पहला घर मेरा ये है, ठीक है? ये कुछ नहीं है, ये देखो अगर हम इसके ऊपर आएंगे ना, ठीक है, मतलब देखो अगर हम इसको खोलते हैं, इस गेट को खोलते हैं तो हम इस घर के अंदर आ जाएंगे। समझ में आया कुछ? यस, ये देखो मैं ये था, ठीक है, ये घर तुम्हें दिख रहा है, ये छोटा सा घर, इस घर के यहाँ पे ये देखो ये रखे हैं मैंने, ठीक है। अगर मैं ये गेट के इधर साइड जाता हूँ तो मैं बाहर आ गया इसी घर में, यहाँ पे अभी मैंने ये रखे थे। और अगर मैं इधर साइड जाता हूँ और अगर मैं इसके नीचे जाता हूँ और अगर मैं इधर साइड आता हूँ तो यही छोटा घर इधर साइड बन के ये उल्टा हो गया पूरा, पानी ऊपर रहा नीचे ये रहा। मुझे कुछ दिखा भी। क्या दिखा? एंड अगर मैं उसमें जाऊं एंड फिर उसके ऊपर जाऊं, क्या दिमाग खराब? कुछ नहीं, ये तो नॉर्मल माइनक्राफ्ट है। ये देखो अगर इस पे जाऊं एंड देन मैं इधर साइड आ जाऊं तो फिर ये उल्टा हो गया। अभी हम लोग वहां से आए थे, क्या उल्टा हो रहा है? ऐसा ही तो था, अभी हम लोग उधर साइड थे, जानते हो तुम। ये देखो यहाँ पे मैं ये ब्लॉक रख रहा हूँ एक, ठीक है, तुम ये चीज नोटिस करना अभी एक, ठीक है। ये देखो मैं पानी में ये रखूंगा एक ब्लॉक, ठीक है, ये देखो मैं ये पानी में ब्लॉक रख रहा हूँ, ठीक है। एंड अगर मैं अभी यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, और मैं यहाँ से बस नीचे जा रहा हूँ, तुम देख रहे हो मैं ऊपर नहीं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नीचे गया और मैं आगे साइड आया तो ये देखो, ये कैसे हो सकता? क्या क्या कुछ नहीं, ये तो नॉर्मल है, मैं यही तो तुम्हें दिखाने वाला था। इसमें क्या खास है? इतना तो कुछ नहीं, अभी मैं तुम्हें दिखाऊं घर तो। हाँ घर तो ये मन नॉर्मल सा घर है, ये तो नॉर्मल चीज है, तुम्हें पता नहीं है कैसे करते हैं माइनक्राफ्ट में। ये देखो घर कहाँ छोटा है, ये यही घर था ना, ये देखो यही घर था ना, और अगर मैं थोड़ा इधर आऊं तो इतना छोटा सा घर था ये तो। समझ में नहीं आ रहा। नीचे कैसे होगा? तुम उस घर बाहर निकलो, जो वो गेट है ना उसके बाहर निकलो, वैसे ही तुम आ गए घर के अंदर, जो छोटा वाला घर था। अगर बाहर निकलते रहोगे कभी खत्म ही नहीं होगा ये। हाँ तोड़ दिया तो फायदा क्या हुआ, सामने वाला गेट भी टूट गया। सब कुछ नहीं तोड़ो ऐसे, मैं वो नहीं कर रहा। ऊपर जाना है, देखो ऊपर जा सकते हैं, अगर ऐसे जाना है ना हम लोग ऐसे ऊपर जा सकते हैं, ऊपर आ गए। ये देखो अगर हम ऐसे ऊपर आए और यहाँ पे गेट खोलें तो यहाँ पे एक और घर आ गया। ये देखो अरे तोड़ दिया तुमने। ये देखो अगर मैं इधर साइड नीचे जाऊं ना, वो तो एक छोटा सा घर था, ये देखो एक घर, ये घर देख रहे हो, ये घर ये वही घर है ना, ये छोटा सा घर है। देखो यहाँ पे एक ये घर है, एक ये घर है, एंड ये एक छोटी सी ये रही, ठीक है। अगर अगर मैं इस खिड़की को खोलूं तो आप लोग इसी घर के अंदर आ गए। क्या समझ में आ गया? यस, और हम उस घर के अंदर जा भी सकते हैं। समझ में आ रहा कुछ? आप उसमें बनाया और बाहर भी वैसे ही बना दिया है। नहीं, अगर मैंने बाहर वैसा बना दिया है, ठीक है, तो इतना छोटा घर बना कैसे सकते हैं? अच्छा अगर मैंने सिर्फ बाहर बनाया है ना, ये देखो मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है, अभी मैं इस घर के यहाँ पर देखो ब्लॉक रख रहा हूँ, ठीक है। अगर ये छोटा है, अगर मैं इसके अंदर नहीं जा सकता, तो अगर मैं इधर साइड जाऊंगा तो जो ब्लॉक रखे होंगे ना वो वहाँ पे रखे नहीं होंगे। लेकिन ये देखो यही ब्लॉग अभी मैंने रखे थे। यहाँ पे रखो, आगे जाके रखो, डायमंड रख देता हूँ मैं, ठीक है। अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता है तो ये देखो ये डायमंड ब्लॉक मैं रखता हूँ यहाँ पर, अगर यहाँ पे रखे हैं तो मतलब दिखेंगे, ठीक है।
ऊपर मैंने रखे हैं इसलिए क्योंकि ये है ना नीचे, ठीक है। अगर ये मैंने ये डायमंड ब्लॉक रख दिए हैं, ठीक है, अगर ये नकली है, अगर ये सही से काम नहीं करता है, ठीक है, तो अगर मैं इस घर के अंदर जाऊं, ठीक है, अगर मैं थोड़ा नीचे आऊं इधर साइड, ये देखो, ठीक है, तो फिर ये यहाँ पर डायमंड्स कैसे रखे हैं? हम लोगों ने तो उधर साइड रखे थे ना। अभी मैंने दिखाया था सिर्फ तुम्हें अपना घर, ठीक है, बट अभी अभी मैं दिखा था। कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, ये तो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, अभी और देखो, ठीक है, अभी अभी देखो, अभी मैं दिखाने वाला हूँ तुम्हें और चीजें। ये हैं छोटे से मल्टीपल बेड्स, ठीक है। एग्जाम्पल में ये तुम्हें छोटा सा घर दिख रहा है ना, ये समझ रहे ना, ये छोटा सा घर है ना, देख रहे तुम कितना छोटा है, लाइक नॉर्मल, कितना ज्यादा छोटा है। लेकिन अगर अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो ये देखो, ये बड़ा लगता है, अंदर से बहुत ज्यादा बड़ा है, ये देखो बाहर से कितना छोटा है, इतना छोटा है कि बाहर कितना ज्यादा छोटा है, लेकिन अगर हम अंदर जाए तो ये देखो। ओके, अभी अभी ये कुछ नहीं था, अभी देखना तुम, अगर मैं ऐसे देखूं तो तुम्हें ये कितना ज्यादा लंबा लग रहा है ना, ये देखो, अगर मैं इधर से देखूं तो ये तो नॉर्मल माइनक्राफ्ट है, ये तो ऐसा तो हम माइनक्राफ्ट में कर सकते थे, तुम्हें ये पता ही नहीं था। अभी ये देखो, ये कुछ नहीं है ना, ये देखो एक लाइन है ना, ठीक है, अभी अभी मैं देखो, आंखें बंद करो तुम, अभी मैं इसी लाइन को देखो चुटकी बजाऊंगा ना ऐसे, चुट, अभी ये बड़ी हो गई, ये देखो, ये तो आपको दिखाई देता है आपको। ओके, ये वाला देखना, ठीक है, ये इसमें बहुत खतरनाक जादू है, ये देखो यहाँ पे तुम देख रहे हो, ये ऐसा है, ठीक है, सिर्फ एक मंजिल है ये, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें जाऊं, ऊपर जाऊं एंड दोबारा ऊपर जाऊं तो ये सेकंड मंजिल आ गया, और ऊपर जाऊं तो ये तीसरा मंजिल आ गया, और ऊपर जाऊं तो ये चौथा मंजिल आ गया, ये मंजिल खत्म ही नहीं हो रही है। कभी खत्म नहीं होगी। अब सोचो वापस वापस कहां से जाएं, ऐसे इधर से आ जाओ वापस, समझ गए, इधर से आया भी नहीं था मैं, अभी तो और दिखाऊं तुम्हें चीजें, दिमाग खराब हो रहा है ना, अभी और दिमाग खराब होगा, ये देखो अभी 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 और अभी तुम्हारा, तुम कह रहे थे ना तुम्हें कुछ खास चाहिए माइनक्राफ्ट में, रुको आज मैं तुम्हें खास दिखाता हूँ। अभी देखो, अभी तुम्हें ये रूम्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये तुम्हें दिख रहा है कितना कितना छोटा रूम है, ये देखो, ये देखो, इतना बड़ा रूम कैसे हो गया, ये देखो, ये छोटा सा रूम है, ये देखो, ये देखो, ये देखना अभी, ये और भी स्पेशल है, अभी तुम देख रहे हो, ये बाहर से देखो, बाहर से ये छोटा सा इतना सा है ना, ये देख रहे तुम, ये छोटा सा इस टाइप का है, ठीक है, अभी इसके अंदर कितने रूम्स हैं, ये देखो, इसके अंदर ये चार रूम्स है ना, एक दो, एंड इनका कलर क्या है, देखो इसका कलर है रेड, इसका कलर है येलो, इसका कलर है ग्रीन, लेकिन ये देखो ये कलर चेंज हो रहे हैं, देख रहे छह कलर्स हो गए जबकि सिर्फ चार थे। और ये देखो, ये सिर्फ इतना ही है ना, देख रहे ना, दस साइड आए तो ये बड़ा हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो और भी चीजें है राघव, अभी और भी चीजें, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी है स्पाइरल हाउसेस, अभी तुम देखना इसमें जो घर है ना वो बहुत पैसे हैं। इसके अंदर देखो, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे, इस पे ध्यान देना, इस कलर पे ऊपर ध्यान देना, ठीक है, देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस चीज से, ठीक है, एंड खत्म हो रहा है इस वाले कलर से, ठीक है, अभी देखना तुम, ये देखो मैं घूमता जा रहा हूँ, ये खत्म ही नहीं हो रहा है, ये देखो अलग अलग कलर आ रही है, अलग अलग चीजें आ रही है, ये खत्म ही नहीं हो रहा है, कहाँ से आए थे, डायमंड आ गया, एमरल्ड आ गया, ये क्या क्या आ गया, ये देखो कभी खत्म नहीं होगा, ये देखो हो गया खत्म, सारे सारी जितनी चीजें थी ना सारी घूम ली। अभी आती है आखिरी चीज, अब तुम बताओ, तुम तुम्हें चाहिए था ना, तुम्हें कुछ खतरनाक चीज चाहिए थी, लावा में मरना है, अभी इसके अंदर जाओ, इस घर के अंदर जाओ, इस घर के अंदर जाओ, अभी अभी तुम, अभी तुम वापस नहीं आ सकते, अब तुम इस घर से कभी भी वापस नहीं जा पाओगे, यस, अभी तुम घूम गए, अब बताओ तुम कहाँ से आए थे, ये देखो ये देखो, ये यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, ये देखो बूम बूम बूम, ये क्या क्या आ रहा है, ये देखो बंद कर दो, ये उल्टा घूमता है,
यस यही था, मजा आया इसमें? और नहीं है। अभी इतना ही था। अभी तुम्हारा दिमाग को कैसा महसूस हो रहा है? रघु का दिमाग पूरा खराब हो गया। तो यार गाइस, आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो में मेरा प्लान यही था कि मैं राघव का दिमाग की ऐसी की तैसी कर दूं। नहीं तोड़ो, तोड़ना नहीं है, बड़ी मुश्किल से बनाई है सब। यार गाइस, मैं और राघव मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।